यूएसए विजिटर वीजा की पात्रता शर्तें। अमेरिका का विजिटर वीजा यानी B2 वीजा दोस्तों या परिवार से मिलने या छुट्टी के लिए होता है। एलिजिबिलिटी की सबसे पहली शर्त है कि आपके पास एक पासपोर्ट हो। दूसरा, आपको ये साबित करना होगा कि आप सिर्फ टेम्परेरी यात्रा के लिए जा रहे हैं, जैसे छुट्टी मनाने या किसी इवेंट में शामिल होने के लिए। तीसरा, आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि आप अपनी यात्रा के खर्चे उठा सकें। इसके साथ ही आपको ये दिखाना होगा कि आपका अमेरिका लौटने का कोई स्थायी इरादा नहीं है, यानी आपकी पक्की जड़ें आपके देश में हैं, जैसे परिवार, नौकरी या प्रॉपर्टी। अंत में आपको अमेरिका से लौटने की सही तारीख और प्लान बताने की ज़रूरत होती है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो आप यूएसए विजिटर वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका का विजिटर वीजा प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। सबसे पहले US ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट पर जाएं और वीजा आवेदन पत्र DS-160 भरें। आपके पासपोर्ट की जानकारी और आपकी हाल की फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड वाली तैयार रखें। DS-160 फॉर्म भरने के बाद एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, इसे सुरक्षित रखें। फिर वीज़ा फीस का भुगतान करें। फीस की जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसीप्ट को सेव कर लें। इसके बाद वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। आपके इंटरव्यू के लिए दो अपॉइंटमेंट होंगे, एक बायोमेट्रिक के लिए और दूसरा वीज़ा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वाले दिन सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, DS-160 कन्फर्मेशन पेज और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम प्रूफ या यात्रा योजनाएँ साथ ले जाएँ। अंत में वीजा इंटरव्यू पास करें और आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैम्प हो जाएगा। यूएसए का विजिटर वीजा पाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले आपको DS-160 फॉर्म फिल करना होगा। इसे ऑनलाइन सबमिट करें और कॉन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट रखें। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी यात्रा की तारीख से कम 6 महीने तक होनी चाहिए। यूएसए वीजा के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ध्यान दें, फोटो के साइज और बैकग्राउंड के नियम सही होने चाहिए। वीजा एप्लीकेशन के लिए आपने जो फीस दी है उसकी रिसीप्ट रखना जरूरी है। इंटरव्यू स्केड्यूल करने के बाद मिली कॉन्फर्मेशन स्लिप साथ ले जाएं। फाइनेंशियल प्रूफ, इनविटेशन लेटर और ट्रैवल प्लान्स भी होने चाहिए। ये आपके वीजा अप्रूवल में मदद करेंगे। याद रखें, हर डॉक्यूमेंट सही और अपडेटेड होना चाहिए, इससे वीजा प्रोसेस में आसानी होगी। बेस्ट ऑफ लक। यूएसए वीजा इंटरव्यू में सफल होने के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। पहला, प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें। दूसरा, अपने पर्पस ऑफ ट्रैवल को क्लियरली डिफाइन करें। वीजा ऑफिसर को साफ बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं और कब लौटेंगे। तीसरा, ऑनेस्टी से जवाब दें। अगर आपको कोई जानकारी नहीं पता तो बिना घबराए पोलाइटली कहें कि आई एम नॉट श्योर। चौथा, अपीयरेंस मैटर्स। प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करें, जिससे आप अपनी सीरियसनेस और सिंसेरिटी दिखा सकें। आखिर में बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें और हर सवाल का जवाब काल्म और रिस्पेक्टफुली दें। इन टिप्स को फॉलो करें और आप अपने यूएसए वीजा इंटरव्यू में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। यूएसए का विजिटर वीजा लेना आसान नहीं है और कई बार ये रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कुछ सामान्य कारण जिनकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। पहला कारण है इनसफिशिएंट टाइज टू होम कंट्री। अगर एम्बेसी को लगता है कि आपके पास वापस आने की पुख्ता वजह नहीं है तो वीजा मना किया जा सकता है। दूसरा कारण है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या गलतियां हैं तो वीज़ा मिलने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा कारण है प्रीवियस वीज़ा वायोलेशंस। अगर आपने पहले किसी वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया है तो ये आपके नए वीज़ा पर असर डाल सकता है। आखिरी में लैक ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस। अगर आप अपनी यात्रा के खर्चों को साबित नहीं कर पाते तो भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन को मजबूत बनाएं।
और सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा करें। वीजा प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या आप यूएसए विजिटर वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं? वीजा शुल्क 125 USD है। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 5 वीक्स के बीच हो सकता है। नोट करें, एप्लीकेशन सबमिट करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से संलग्न करें। याद रखें, इंटरव्यू के समय अपना पासपोर्ट और कॉन्फर्मेशन पेज जरूर ले जाएं। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है। जल्दी आवेदन करें ताकि आपका वीजा समय पर मिल सके। अगर आप अमेरिका का विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर आपकी एप्लीकेशन को मजबूती दे सकता है। इस पत्र में आपको पर्पस ऑफ विजिट यानी यात्रा का मकसद स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता और जन्म तिथि का जिक्र करना ना भूलें। इसके बाद अपने और वीजा एप्लीकेंट के बीच के रिलेशनशिप को साफ साफ बताएं, ताकि ये दिखे कि उनका आपके पास आना महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल करें, ताकि ये साबित हो सके कि आप उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर में लेटर को अच्छे से साइन करके उसकी एक कॉपी वीजा एप्लीकेंट को भेज दें। इस तरह का एक डिटेल्ड एंड क्लियर इनविटेशन लेटर आपके वीजा आवेदन को पास होने में मदद कर सकता है। वीजा वेवर प्रोग्राम VWP और USA विजिटर वीजा दोनों ही तरीके हैं अमेरिका में यात्रा करने के, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। VWP केवल उन देशों के नागरिकों के लिए है जो इसके एलिजिबल हैं। अगर आप VWP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 90 डेज तक बिना वीजा के रह सकते हैं, लेकिन केवल टूरिज्म या बिजनेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ USA विजिटर वीजा सबके लिए है, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और इसे मिलने में टाइम लगता है। ये वीज़ा आमतौर पर 6 मंथ्स के लिए वैध होता है और इसमें आप किसी भी वैध कारण से यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म, फैमिली विजिट या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आप जल्द और कम समय के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं और आप VWP वाले देश से हैं तो VWP एक आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपको लंबी यात्रा या अन्य कारणों के लिए जाना है तो USA विजिटर वीज़ा ज़रूरी है। आपके लिए सही विकल्प कौन सा है ये आपकी यात्रा की योजना पर निर्भर करता है। अगर आप USA में अपनी विजिटर वीज़ा की ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, इंश्योर दैट यू फाइल फॉर्म I-539 बिफोर योर करेंट वीज़ा एक्सपायर्स। दूसरा, यह ज़रूरी है कि आपके पास वैलिड रीज़न हो जो USA में आपकी लॉन्गर स्टे को जस्टिफाई कर सके। इसके साथ ही यह भी दिखाएं कि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, यानी कि USA में रहते हुए खुद की आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। रिमेंबर, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको करंट वीज़ा स्टेटस मेंटेन करना ज़रूरी है। लास्टली, आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। प्रोसेस में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए आप इसे टाइम सेंसिटिव मानकर अर्ली अप्लाई करें। वीज़ा एक्सटेंशन का निर्णय USCIS द्वारा किया जाएगा। अगर आप अमेरिका यात्रा कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है। यात्रा के दौरान अनिश्चितताएं हो सकती हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, फ्लाइट कैंसिलेशन या सामान का खो जाना। वीज़ा होल्डर्स के लिए यह अनिवार्य हो सकता है। अमेरिका में हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है और बिना इंश्योरेंस के मेडिकल खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अस्पताल के बिल, आपातकालीन इलाज और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ बेहतरीन प्लान्स हैं, जैसे IMG ग्लोबल और अलायंस, जो मेडिकल कवरेज, ट्रिप कैंसिलेशन और सामान की सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका प्लान 100,000 USD तक की मेडिकल कवरेज देता हो। तो याद रखें, सुरक्षित और तनाव मुक्त यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें।